आयरन कॉन्डोर वर्सेस आयरन बटरफ्लाई, दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। दोनों ही स्ट्रेटजीज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं और इन स्ट्रेटजी को क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्शन प्रीमियम डिके से प्रॉफिट करना। ये दोनों ही स्ट्रेटजीज रिस्क डिफाइंड होती हैं क्योंकि ये दोनों ही हेज्ड स्ट्रेटजीज हैं, पर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अलग अलग होती है। जब आप एक आयरन बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं तब आप कॉल और पुट दोनों को एट द मनी स्ट्राइक पे सेल करते हैं, जिससे आपको यूजुअली एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है, पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 40% के आसपास होती है। अब आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं आउट द मनी ऑप्शंस को सेल करके, मतलब एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट करके। आयरन कॉन्डोर में आपके रिवॉर्ड आयरन बटरफ्लाई के कंपैरिजन में कम होते हैं, बट क्योंकि आपको एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट मिल जाता है इसीलिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% तक हो जाती है, और आयरन कॉन्डोर के एडजस्टमेंट यूजुअली आयरन बटरफ्लाई के कंपैरिजन में काफी आसान होते हैं। आपके लिए एक बजट फ्रेंडली कंप्लीट ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। चेकआउट द लिंक इन द बायो और द पिन कॉमेंट।